तो नमस्कार, मैं चंदन कुमार, राजगीर टीम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो तो दिखा रहे हैं अभी जो शोभा सम्राट थिएटर, जो कितना दिन पर आता है हम लोग का बीच में थिएटर और मेला, जो बहुत अंदाज के साथ आता है और बहुत गहरा ठीका हुआ है। आठ करोड़ का लगभग में आज हुआ है। तो दिखा रहे हैं और देखिए अभी तैयारी चल रहा है जोर जोर से, एकदम जबरदस्त एकदम चल रहा है तैयारी। और अभी पंडाल वगैरह सब चीज़ दम बन रहा है। अभी नया दम थिएटर एक और आया है, मुंबई थिएटर, जो आप लोग नहीं जानते होंगे, नए अंदाज में देखते रहिए। और तो बताइए, राजगीर में आए हैं आप देखने के लिए, तो अभी जोर जोर से चल रहा है दम, तो बताइए। नहीं तो हम थिएटर वेटर देखने नहीं आए। अच्छा, सर्कस देखने आए हैं ना। हाँ, तो सर्कस भी देखने आए। तैयारी चल रहा है। हम सावन मास अभी चल रहा है। अच्छा। और उसके बाद मेला लगेगा। हाँ। ठीक है ना, तो इसके ऊपर पूरा जानकारी आगे आपको दे देंगे। अच्छा, ब्रह्मकुंड पर। तो बताइए, आप यहाँ पर बहुत पुराने, जैसे नया नया थिएटर आता है और हम लोग का बीच में 5-6 साल के बीच में आता है, ऐसा क्यों होता है? बाबा ही बता सकते हैं कुछ विस्तार रूप में। जी, विस्तार रूप में कुछ बाबा ही बता सकते हैं। हम लोग तो यही से तिमाही यही से आता है मलवास मेला। हाँ। और ये से मलवास मेला का जी से मैंने की लुप्त लेते हैं। जी जी, समझिए ना। और अबर जो यही से मलवास मेला लग रहा है, मेला कैसा रहेगा इस बार? अबर जो मलवास मेला लग रहा है वो बहुत भयंकर यही से मैंने की रूप लेगा, इसलिए कि अगला कोरोना रीजन में मलमास मेला नहीं लग सका, सरकार बंद कर दिया था, लेकिन अबर बहुत देर से जम के मेला लगेगा और मेला बढ़िया जो है से मनी की सरकार का व्यवस्था जो है से सब तरह से ठीक है। ठीका कितना में हुआ था? ठीका 6,65,00,000 में ठीका हुआ है। बढ़िया, अभी महंगा रहेगा टिकट? बहुत 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 महंगा रहेगा, यहाँ तक कि जो है से इन लोग लीटी टीटी जो बेच रहा है। हाँ। ये भी जो है से मनी की दोगुना का ही जो है से सब जनता पर ही पड़ेगा। अच्छा, सब जनता पर ही पड़ेगा। कितना रेट में हुआ है जमीन? 3,00,000। 3,00,000 में हुआ है? इतनी सुन, 3,00,000 रुपया में हुआ है जमीन? सोचिए कहाँ से जुटाएगा पैसा उसा। चलेगा तभी। अब ऐसा है कि बरसात आ जाएगा तो क्या आप लोग उतना पैसा कमा लीजिएगा? कैसे कमाएंगे, बरसात आ जाएगा, लोग ही नहीं चलेगा, कैसे होगा? अब कहाँ से आए हैं आप? गुटखा भी खाते हैं जी? नहीं, गुटखा कहाँ का, चबा रहे हैं आप? झूठ बोलते हैं हम लोग से? चबा रहे हैं बाहर से आए तो गुटखा भी खाइएगा? अब दुकानदारी के बारे में क्या, दुकानदारी मतलब गुटखा खा के दुकानदारी चलाइएगा? दुकानदारी गुटखा खा के चलाइएगा, बताइए आप जैसे कीजिएगा तो आम पब्लिक क्या करेगा? पिचकारी चलाइएगा, देखिए गंदा संदा आप लोग बनाइएगा। कहाँ एक भी पिचकारी है? पिचकारी जैसे देखिए, देखिए आप पहले उधर, इधर क्या, उधर देखिए, उधर कैमरा पॉइंट करिए, क्या उधर कैमरा पॉइंट? गुटखा काहे खा रहे हैं आप? आपका उम्र है गुटखा खाने के? उम्र ने 20 साल हो गया। उम्र क्या क्या उम्र है? धुइया चल रहा है, देखिए उधर धुइया भी चला रहे हैं। तो यहाँ पर जमीन लेकर कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप? क्या पहला बार आए, क्या फील कर रहे हैं? पहला कहाँ से आए, परिचय थोड़ा सा बताइए। हम बाहर से आए। बाहर का नाम होगा ना जी? बार बख्तियारपुर अचुआरा से आए। अच्छा, वहाँ धुइया भी कर रहे हैं, देखिए। हाँ देखिए, अब इनसे मिलना चाह रहे हैं जो यहाँ धुइया भी कर रहे हैं। क्या पी रहे हैं जी? सिगरेट। हाँ, सिगरेट। आपको पीने की उम्र है? नहीं पियेंगे तो काम कैसे करेंगे? रात दिन तो यही काम है। रात में मतलब हम लोग के सामने पीजिएगा? आपके सामने, आप तो होने हैं, हम लेने हैं। क्या बिहार में शराब बंदी है और तो पर भी गुटखा खैनी तंबाकू सब पिए जा रहे हैं? शराब कहाँ पी रहे हैं? शराब कहाँ पी रहे हैं? तंबाकू है ना, कैसे बंद कर रहे हैं आप? कैसे बंद कर रहे हैं भैया जी? नहीं खाएंगे तो काम ही नहीं होगा, नहीं पियेंगे तो। रात दिन एक ही काम, हलवाई के यही काम ही रहता है। क्या हलवाई के काम रहेगा? मतलब पी के मुँह में गुटखा है? नहीं है। वो तो खा रहे थे, मुँह में गुटखा ही नहीं। ऐसा नहीं कीजिए, समझ गए ना, आप ही लोग से जानता है, बुतरू लोग सीखता है। सही बात, आप लोग छोड़ दीजिएगा। हाँ छोड़ देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो